किस तरह कन्हैया आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की और नरसी के श्याम की। गौतम भैया शायद आप भी पहली बार सुन रहे हैं मायरा लाइव। ओ भाग्य हमारे। तो शुरुआत कहां से होती है सुनिएगा। होती शुरू कहानी ये जूनागढ़ गुजरात से। मचा तहलका दुनिया में मेरे कान्हा के उस भात से। भैया आगे बैठ के बातें ना करें। भगतों में भगत नरसी भगत वो अरबपति कहलाते थे। ऊंचे ऊंचे महल झरोके नगर से कहलाते थे। बेटी थी उनकी नानी बाई वो नगर अंजार पड़ाई थी। शादी में उनकी नरसी जी ने धन दौलत खूब लुटाई थी। ओ भाभी जी क्यों हमारे दिल पे आघात करती हो। हम इधर भजन गाते आप उधर बात करते हो ये अच्छी बात है क्या। एक बार ध्यान से सुनो प्रेम से। अब सुनिएगा। नानी बाई की शादी हो गई। नानी बाई की क्या हुई पता रखो बातें नहीं करनी है। नानी बाई की शादी हो गई। अब नानी बाई की पत्नी नानी बाई की माँ मैं आपका ध्यान चेक कर रही थी कि है तो ये बोले हाँ वो बोले हाँ। नरसी जी की पत्नी नरसी जी से आकर कहने लगी काश हमारा भी कोई बेटा होता। हमारे पास इतनी धन संपत्ति है इतनी दौलत है हम इसका क्या करेंगे। नरसी जी कहने लगे हमारा कोई बेटा होता। अरे हमारा बेटा है और वो कोई और नहीं वृंदावन का कृष्ण कन्हैया लाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखिए क्या हुआ। नरसी जी को ऐसी लगन लगी कि वो पागल हो गए। लगी लगन घन श्याम से वो शाम शाम करने लगे। लगी लगन घन श्याम से वो शाम शाम करने लगे। होकर शाम के प्यार में पागल धन दौलत दान करने लगे। अब देखिए दौलत बांटने का खुमार नरसी जी को ऐसा चढ़ा कोई भी आता शाम नाम लेता और जो मांगता वो ले जाता। धीरे धीरे सब चला गया कुछ नहीं बचा। फटे हाथ दो वस्त्रों में नरसी जी मंदिर में रहकर अपना गुजारा करने लगे और दिन रात बस यही अरदास लगाते आ जाओ सावरे आ जाओ। भक्तों के घर के पता है जमाने को
बिल्कुल एकदम कम। अब सुनो, मेन कहानी अब शुरू होती है। जहां नानी बाई की शादी हुई थी, अब वहां उनकी बेटी बड़ी हो गई। नानी बाई के ससुराल में उनकी बेटी की शादियों की तैयारियां होने लगी। सबको चिट्ठियां लिखी जाने लगी, किस किस को शादी में बुलाना है। सामान की लिस्ट लिखी जाने लगी, क्या क्या लाना है। नानी बाई ने देखा सबके पास चिट्ठियां चली गई, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे पिताजी को ही चिट्ठी नहीं लिखी। नानी बाई ने पूछा कि अरे मेरे पिताजी को तो बुलाओ, वो भी तो आएंगे शादी में। नानी बाई के ससुराल वालों ने पता है क्या जवाब दिया, अरे वो कंगला, उसको यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती थोड़ी करवानी है। वो कहते हैं ना कि मेरी जेब में चंद छेद क्या हुए, सिक्के से पहले रिश्तेदार निकल लिए। मतलब कि है दुनिया कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। अब देखिए नानी भाई जिद पे अड़ गई, नहीं मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखो, वो आएंगे। और एक फर्ज होता है मायरा भरने का, उनसे जो बन पड़ेगा वो लेकर के आएंगे, लेकिन आप चिट्ठी लिखो। ससुराल वालों ने सोचा ये तो जिद पे अड़ गई, एक काम करते हैं, भात की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी लिख देते हैं कि जैसे ही नरसी जी पड़ेगा वैसे ही नहीं आएगा। अब देखिए चिट्ठी पहुंच गई नरसी जी के पास। नरसी जी ने एक हाथ से चिट्ठी पकड़ी और दूसरे हाथ कान्हा जी की ओर रख दी। नरसी ने बिन देखे ही काना को वो पकड़ाई है और क्या कहा, ओ काना थारे भरोसे मारी गाड़ी तू जाने थारो काम जाने। ओ काना थारे भरोसे मारी गाड़ी तू जाने थारो काम देखिए थोड़ा समय बीता,
नानी भाई फिर आकर अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी मेरा भाई अब आएगा, मेरा भाई। नरसी जी अपनी बेटी को समझाने लगे, कहने लगे, नरसी नानी से कहे तू मत हो बेटी निराश, अरे आएगा तेरा सावल बीरा, तू मन में रख विश्वास। हम जानते हैं जब हमें हम किसी पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो फिर मन को समझाना पड़ता है कि ये काम होगा। हम जानते हैं जिसकी नैया
जब नानी बाई ने देखा उनके पिताजी को घर में नहीं रुकवाया, पास एक तबेले में रुकवाया, और तबेले में रुकवाने के बाद भी उन्होंने देखा एक भोजन का परोसा तबेले की ओर जा रहा है। उस भोजन की दशा ऐसी है जैसे किसी की झूठन पड़ी हो। नानी बाई ने देखा मेरे पिताजी के लिए ऐसा भोजन किस बेटी का दिल नहीं टूटेगा। नानी बाई की आंखें भर आई। नानी बाई पानी का गागर लेकर सरोवर किनारे भागी खुदकुशी करने के इरादे से। जैसे ही सरोवर में कूदने लगी तुरंत अपने कदम पीछे हटा लिए। सोचने लगी मैं ही मर गई तो लोग मेरे बाप को ताना दे देकर वैसे ही मार देंगे कि भात नहीं भर पाया तो बेटी ने खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। अब देखिए नानी बाई ने सोचा पिताजी जब इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो मेरा भाई आएगा, एक बार मैं भी अर्जी लगा कर देखती हूँ, क्या पता मेरी अर्जी सुनकर आए। अब सुनिए नानी बाई कैसे अर्जी लगाएगी अपने भाई को। आप सभी अपने भाइयों को अर्जी लगाए, अपने कन्हैया भाई को। आजा कन्हैया तेरी बहना पुकारे, आजा कन्हैया तेरी बहना पुकारे। बहना लचार अब तेरे सहारे, आजा रे छलिया तेरी नानी पुकारे। आजा रे छलिया तेरी बहना पुकारे, आजा कन्हैया तेरी नानी पुकारे। अब देखिए सब्र की भी सीमा होती है। हम साधारण मनुष्य हैं, ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते। अब देखिए नानी बाई हार गई, क्योंकि चार घंटे बीत गए, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कन्हैया जी के दूर दूर तक कोई दर्शन नहीं। दिल टूटा नानी का, सब्र टूटा नानी का, और टूट गई है आस। अरे छलिया धोखा दे गया जिसको माना था खास, आता दिखा नहीं वीरा नानी हो निराश। रो रो कर करने लगी तब दिल से ये अरदास, बिन भाई की बहन आज रोवे, गुण भात भरण मेरे आवे रे। माँ का जाया मेरे वीर बिना, गुण मामा को फर्ज निभावे रे।